स्पेसिफिकेशन वाइज दोनों ही काफी सेम है, मगर असलियत का पता तो वक्त के साथ ही चलता है। दोनों ही प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं, जहां Realme में दो कलर ऑप्शन है वही Poco में तीन। पर्सनली मुझे Poco का ग्रे कलर काफी ज्यादा बढ़िया लगा, बिकॉज Poco में मैट फिनिश है तो Realme ग्लॉसी बिल्कुल सीडी जैसा। इसके अलावा Poco थोड़ा सा हैवी होने के साथ थिकनेस इसकी ज्यादा है, बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों के ही काफी फास्ट है। एक बढ़िया चीज Realme में कि दो सिम के साथ एक SD कार्ड भी लगाया जा सकता है, वही Poco में हाइब्रिड सिम स्लॉट है तो या तो दो सिम कार्ड या तो एक सिम एंड एक SD कार्ड। बट दूसरी बढ़िया चीज Poco में कि यहाँ पे IR ब्लास्टर के साथ में MI रिमोट मिलता है, जो कि भाई बहुत यूजफुल है मेरे जैसों के लिए जिनसे AC TV का रिमोट संभाला नहीं जाता। कहाँ रख दिया मैंने? Not your type, papi. डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्स Poco M4 Pro 5G का बेटर है, बट रियलिटी में मैंने जितना भी रिसर्च किया उससे ये पता चला कि दोनों में 400 से लेकर 450 निट्स की ब्राइटनेस है, एंड ये सीरियसली काफी कम है जहां 1000 निट्स आजकल कॉमन हो गया है। ऑल्सो हर रिव्यूअर ने ही ये बात दोनों फोन की हाईलाइट की है कि ब्राइटनेस आउटडोर्स में काफी कम है, तो आउटडोर्स में डिस्प्ले दिखेगा बट विजिबिलिटी काम चलाओ ही मिलेगी। डिस्प्ले कलर वाइज तो अभी तक कोई भी कंप्लेंट्स नहीं आए हैं दोनों फोन के। पर्सनली मुझे दोनों में से Realme वाला थोड़ा सा बेटर लगा जब मैंने शोरूम जाके चेक किया था। बाकी डिस्प्ले प्रोटेक्शन में Poco में Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन है तो Realme में पेंटा ग्लास, जो कि Gorilla Glass 3 के ही इक्वल का प्रोटेक्शन दे देगा। लास्टली आई से नॉर्मली दोनों ही सही है, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को लेकर भी कोई भी इश्यूज नहीं आए हैं अभी तक, बट गेमिंग के लिए Poco बेटर होगा बिकॉज टच सैम्पलिंग रेट बेटर है, हेंस बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा बैटल रॉयल गेम्स में। दोनों में कोर परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है बिकॉज सेम चिपसेट है, एंड Dimensity 810 बेस्ट 5G चिपसेट है इस बजट में। सीरियसली इससे बेटर बस एक ही चिपसेट है बट वो जल्दी मिलता नहीं। इस बारे में डिटेल्स जानने के लिए आई बटन में एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, वो देख लेना समझ जाओगे। बाकी दोनों में ही स्मूथ प्लस अल्ट्रा से लेकर HD प्लस हाई तक की गेमिंग हो जाएगी, एंड FPS लोएस्ट 32 से 34 तक नोटिस होंगे हॉट ड्रॉप में स्मूथ प्लस अल्ट्रा में दोनों में ही, बट FPS फटाक से रिकवर हो जाते हैं एंड कुछ देर बाद 39 से 38 FPS, इन शॉर्ट मक्खन परफॉर्मेंस जितना बोला है FPS उतना मिलता जरूर है यहाँ पे, वरना ऐसे भी प्रोसेसर देखे हैं जो 60 FPS का वादा करके आधा भी नहीं निभा पाए। ऑन दी अदर हैंड एक घंटे की गेमिंग के बाद दोनों में ही 39 से 40 डिग्रीज तक टेम्परेचर चला जाता है, जो कि अगेन नॉर्मल है, ओवरहीटिंग नहीं है, थर्मल थ्रॉटलिंग भी नहीं होता है दोनों में, एंड इतना टेम्परेचर नॉर्मल होने की वजह से बाकी सारे जो कॉम्पोनेंट्स है फोन के जैसे कि बैटरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें कोई भी इश्यूज नहीं आएगा लॉन्ग टर्म में। और जब बैटरी की बात आ रही है तो बैटरी का बता दूं भाई साहब, Dimensity 810 लौता ऐसा चिपसेट है इस बजट में जो इतना कम बैटरी खाता है, लाइक एक घंटे की गेमिंग के बाद ओनली 11-10% बैटरी ही उड़ाता है, वरना कोई भी दूसरा प्रोसेसर देख लो आराम से 5000 mAh की बैटरी के साथ में 14-15% बैटरी उड़ा देंगे। इवन 19,000-20,000 के रेंज में भी अगर हम फोन देखते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा बैटरी कंजम्पशन होती है। ये भी एक बात सही है कि 19,000 के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो भी 810 के मुकाबले बेटर मिलती है, बट 19,000-17,000 के नीचे इतना पावर एफिशिएंट प्रोसेसर मिल ही नहीं सकता। इन शॉर्ट Dimensity 810 परफॉर्म भी अच्छा करता है, बैटरी भी कम खाता है इवन हीट को मेंटेन करते हुए, तो परफॉर्मेंस में दोनों काफी सेम है। बस जायरो प्लेयर्स Realme 9i 5G से दूर रहना, क्योंकि इसमें वर्चुअल जायरो है एंड ये काफी स्लो है, बट Poco में ऑन दी अदर हैंड जायरो काफी अच्छा है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा गेमिंग के वक्त। तो FPS हीट एंड बैटरी कंजम्पशन में दोनों काफी सेम है, बस TSR एंड जायरो के साथ ओवरऑल जो पैकेज है वो Poco में बेटर निकल के आता है। एंड अभी तक अगर आपको वैल्यू मिल रही है इस वीडियो से तो आई एम श्योर कि आपको और भी ज्यादा वैल्यू मिलेगी हमारे ऑनलाइन स्टोर बनो ट्रेंडी से, क्योंकि यहाँ पे आप अपने मनपसंद डिजाइंस बना सकते हो बस कुछ ही क्लिक्स में, एंड उसको प्रिंट करवा सकते हो हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे लाइक हुडीज, जैकेट, स्वेटशर्ट, टी-शर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे ऑनलाइन डिजाइनर टूल से डिजाइन बनाना बहुत ही इजी है, लिटरली 12 साल के बच्चे भी अपने मनपसंद डिजाइन बना लेते हैं। ऑल्सो हाई लेवल क्रिएटिविटी के लिए फीचर्स लाइक बैकग्राउंड रिमूविंग, मास्किंग जैसे फीचर्स भी है, एंड जहां लोकली सस्ते क्वालिटी प्रिंट्स के लिए आपको 200 से 300 रुपए तक देना पड़ता है, वही हम क्वालिटी प्रिंटिंग बस 29 से 49 रुपीस में करते हैं। हमारे ऑनलाइन स्टोर से आप प्री डिजाइंड प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हो जिनमें एनिमे के साथ साथ हमारे बनाए यूनिक ई स्पोर्ट्स डिजाइन भी मिल जाएंगे। इन शॉर्ट प्रोडक्ट्स एंड डिजाइन की कैटेगरी बहुत ज्यादा है, आपको मजा आ जाएगा। आप मेरी वीडियोस को इतना सपोर्ट करते हो इसलिए ये कूपन कोड आपके लिए,
ऑर्डर प्लेस करते वक्त यूज कर लेना, आपके एक्स्ट्रा पैसे सेव हो जाएंगे। बट जल्दी यूज कर लेना वरना ये कूपन इस डेट के बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अब आप ये वाली वीडियो देख लो, देन शॉपिंग कर लेना। दोनों में ही 5000 mAh की बैटरी है। एक टाइम पे इसको मैसिव कहा जाता था, अब ये नॉर्मल हो गया है। दोनों को इंटेंस यूज करने पर आराम से 7 से 8 घंटे दोनों चल जाते हैं विदाउट फोन को रेस्ट दिए। तो नॉर्मल यूजेज में तो 1.5 दिन आराम से पकड़ के चलो। बाकी जितने भी यूट्यूबर्स है उनको भी 8 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है दोनों में। बस फर्क है तो चार्जिंग में, रियलमी को फुल चार्ज होने में लगता है डबल टाइम पोको से। तो 33 एंड 18 वॉट के बीच का फर्क सही में फील होगा। पोको 1 घंटा जल्दी चार्ज होगा। एंड यहाँ कुछ लोगों को रियलमी का इमेज पसंद आएगा तो कुछ लोगों को पोको के प्रोड्यूस किए हुए इमेजेस, बिकॉज गुड लाइटिंग कंडीशन में भाई साहब दोनों में ही काफी अच्छी डिटेल्स आती है। एंड पोको में थोड़ा ज्यादा डिटेल्स आ जाता है, जितना है भी नहीं एक्चुअल में। मगर कलर्स के मामले में पोको जितना असलियत दिखाता है उतना ही रियलमी में असलियत छुपाई जाती है। इन शॉर्ट कलर को बूस्ट किया जाता है, रियलिटी में जो कलर्स होते हैं वो वैसे इसमें नहीं दिखते। बट कुछ लोगों को बूस्टेड कलर्स वाले इमेज ही पसंद आते हैं तो इनमें उनकी चॉइस है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा डायनेमिक रेंज दोनों में काफी बढ़िया है, लाइट एंड डार्क एरियाज काफी मेंटेन रहते हैं। बट ध्यान से देखने पर रियलमी 9i यहाँ पे स्लाइटली बेटर है। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में दोनों ही काफी बढ़िया है क्वालिटी वाइज, बट स्टेबलाइजेशन पोको में अच्छा है। लो लाइट फोटोग्राफी के मामले में रियलमी 9i पहले जब लॉन्च हुआ था उतना सही से परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट अभी काफी इम्प्रूव हो गया है। दोनों ही फोन्स में प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया लो लाइट फोटोग्राफी मिलती है। डिटेल्स इमेज में ऑफकोर्स लो लाइट में काफी कम हो जाते हैं, मगर यूजेबल इमेज है थोड़े से नॉइस के साथ। तो कैमरे के मामले में दोनों में से कोई भी लो बुरा नहीं लगेगा। अगर रियल कलर्स देखने हैं तो पोको, और अगर इंस्टा रेडी इमेजेस चाहिए तो रियलमी। बट अदर सेंसर्स की बात करें तो पोको ही लेना चाहिए, जैसे कि वाइड एंगल है इसमें जो कि रियलमी में मिसिंग है। तो इसका जो वाइड एंगल है पोको का वो भी काफी अच्छा है, काफी अच्छी डिटेल्स भी लेके आ जाता है वाइड एंगल के हिसाब से, इसके प्राइस के हिसाब से भी। देखो भाई, बेस प्राइस दोनों का ही सेम है विद सेम रैम एंड इंटरनल्स, तो मेरे हिसाब से पोको का जो डिवाइस है वो एक ज्यादा बेटर ओवरऑल बेट है, क्योंकि गेमिंग के लिए जायरो भी फास्ट है, इवन कैमरास में भी ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। साथ ही साथ चार्जिंग स्पीड भी ज्यादा होने की वजह से बैटरी भी रियलमी से 1 घंटा जल्दी चार्ज हो जाता है। बाकी तुम कौन सा डिवाइस लेने वाले हो कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें पोको के ही एक दूसरे बहुत ही बढ़िया डिवाइस से रियलमी 9i 5G को मैंने कंपेयर किया है। उसमें रियलमी 9i 5G का जो कैमरा परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम था, बट ये वाला जो परफॉर्मेंस है, ये वाला परफॉर्मेंस आपको मिलेगा अभी। तो उसमें जो मैंने कैमरा के बारे में बताया है उस थोड़ा सा इग्नोर कर देना, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये वीडियो देख लेना एंड बनो ट्रेंडी से, अपने स्टाइल अनुसार कस्टमाइज करके प्रोडक्ट बनवा लेना, मतलब मेरे से बनवा लेना। टिल देन दिस इज निक साइनिंग ऑफ।